अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक क्वींस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो है एक लड़की के बारे में जिसका नाम है आयशा। आयशा वो लड़की जिसने 25 फेब गई है इस पे ख़ुदकुशी की, और ख़ुदकुशी करने की वजह ये रही कि उनके ससुराल वाले और उनके शौहर उनके साथ जुल्म और उनसे जहेज़ की डिमांड किया करते थे। 2018 में इनकी शादी हुई थी। वैसे कुछ भी बताने और कहने से पहले मैं चाहती हूँ आप उनकी वो वीडियो देखें जो उन्होंने ख़ुदकुशी करने से पहले बनाई, और वो भी अपने शौहर के लिए। पहले मैं वीडियो दिखाती हूँ। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान, और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इसमें किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है, और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? कैश विड्रॉल कर दो, नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी, प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए, ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं वल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफ़ा करो, एक तरफ़ा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में समा ले, और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए, और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी, बस काफ़ी है। थैंक यू, और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। तो ये थी वीडियो आयशा की जो उन्होंने ख़ुदकुशी करने से पहले ये वीडियो बनाई। अब एक वीडियो भी और देखें आप, जिसमें उन्होंने मरने से पहले अपने पेरेंट्स को कॉल की और अपने पेरेंट्स से बात की। एक वीडियो वो ज़रूर देखें आप। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। आजा, निकल जा। कहाँ पर है तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। आज मैं मोंटू को भेजता हूँ। हेलो, सुनो। हाँ। मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा। देख, गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सो है। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना, बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। मॉम बस हुआ ना, मॉम बस हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं को मॉम बस हुआ, बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपना करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पाने में कूदना है। कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। सुनो, किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी दीजिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलता तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस न ले। मैंने ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं बढ़ने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी, अब मैं बढ़ना चाहती हूँ। अभी तक गई हुई यार, लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक ऐसे हूँ मैं? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाता पापा कल जालौर जाते। अब नहीं पापा, अब लेट हो गया, पापा लेट हो गया, लेट हो गया। पापा कल जा रहे हैं तो लेट हो गया उसको। बहुत शांति रख।
जी वो मैंने अब नहीं जीना, अब सोनो नहीं जीना ये मेरा, बेटा सोनो मेरी बात सुन, अब सोनो मेरी बात सुनेगी पहले। अरे इसे नहीं लाना मेरी लाइफ में, तो ठीक है ना, नहीं जीना मुझे उसके बिना। मैं जा रहा हूँ कल, जा लो मेरे को खाली मेरी मैया को घर जिसे आता बुलाना है एक बीच बुलाओ। की ले, मेरी बात सुन ले बेटा, इतना तूने सुना ना मेरा, पर नहीं यार मैं मेरा कब तक सुना ना तुमको तूने। तकलीफ दूँ, कब तक तकलीफ दूँ एक सबको। अम्मा ऐसा रजी अल्लाह का मुबारक नाम है तेरा बेटा, उस नाम मैं की लाज रख, मुबारक उस नाम की मुबारक लाज रख। मुबारक तकदीर लेके नहीं आई हूँ नहीं मैं, ऐसा रजी अल्लाह का मुबारक नाम है तेरे को अम्मा, ऐसा रजी अल्लाह की कसम है तेरे को, तू घर आएगी बच गई तो ले जाना, घर आ बैठ जा तू गई बेटा, तो डबल कर देना। अब नहीं तू मेरी बात तो पापा, मैं अब कल नहीं जालौर पापा, जा रहा हूँ, नहीं पापा मैं बारिश कल के बाद जालौर जा रहा हूँ, कल कुछ भी कीमत मेरा तुम्हें सब सुलझा देता हूँ, बस तेरे को कलाम पाक की कसम है, देख अब बस पापा, अब बस, तेरे को बोला ना तू घर आ जा बेटा, तेरी अब तो मैं आरिफ से जो बात करनी कर लूँ, मैंने कर ली, मुझे जो मेरी जवाब बात नहीं चाहिए था मानेगी मिल तू, गए। तेरी नहीं बात नहीं बाबा, मानेगी। अब मौत करीब, अब नहीं जीना बाबा, वो दुआ ना यार, कब तक परेशान होंगी मैं खुद के लिए, सबको परेशान करती रहूंगी। मेरी बात सुन तो उससे क्या हल होगा बेटा, वो लोग भी मिल कोई जाएंगे। अरे झेल नहीं जाएगा बेटे, वीडियो बना के दे दी, कोई किसी की जिम्मेदारी तू नहीं मेरी है। बात मैं सुन बेटा, देखो तेरी अम्मी रो रही है, घर आ जा बेटा, अब मैं थक गई हूँ, मैं मैं थक मोंटू को गई भेजता, हूँ, मेरी बात सुन मैं मोंटू को भेज रहा हूँ, कहाँ पर है तू, कौन सी जगह पर है, बता रही यूर है? रेंट पे हूँ तू मेरी बात नहीं सुनेगी बेटा। पापा, मैं थक गई हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी अरे जिंदगी सॉल्यूशन का। है बेटा, सब सॉल्यूशन है, सब बोलता सॉल्यूशन है बेटा, मेरी बात सुन तू। केस नहीं किया था तो मैं भी सोचता। आज तो मैं जा रहा हूँ ना, मैं कल जाके उनसे बात कर लेता हूँ, केस वेस सब वापस ले लेंगे, सब सुलझ जाएगा। अरे वो नहीं आएगा फिर भी मेरी उसका जिंदगी में, बाप भी दिया है आएगा, उसका नहीं आएगा बाप भी पापा, आएगा, एक बार मेरे पे भरोसा कर, तू मेरी बात सुन, मैंने बहुत भरोसा कर लिया। अब तू घर आ जा, बस एक बार घर आ जा तो तू मेरी बात सुन ले, तो कुरान शरीफ की कसम है, तुमको घर आ जा बेटा, अरे अब नहीं आ रहा, अब मैं थक घर आ जा गई। बेटा, समझती क्यों नहीं है, नहीं तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, फिर सबको मारू, सबको मार दूंगा मैं, किसी को घर में जिंदा नहीं रखूंगा, हाँ मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ, समझती नहीं कोई बात को, तेरे को कह रहा हूं तो समझती नहीं है, चल घर आ आ रही, जा चल, नहीं आ तो कहा रही। कौन सी जगह, मैं मोन्टू को भेजता हूँ गाड़ी लेके लेने आता है तेरे को, बोल कौन सी जगह खड़ी है तू, मैं रिवर फ्रंट पे बैठी हूँ। कौन सी जगह, अपन एलिस ब्रिज के पास हाँ है, हेलो हाँ पप्पा, हाँ, तो तू वहां से बाहर निकल के प्राइवेट रिक्शा करके हमें भाड़ा देता हूँ, मैं आ रही हूँ, आ जा बाहर निकल, कलाम पाक की कसम है तेरे को, ये थी आयशा की आवाज़ जो उन्होंने खुदकुशी करने से पहले अपने पेरेंट्स से बात की। अब मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से, उन लड़कों से, उन मर्दों से जिनका दिल इतना पत्थर होता है, इतना सख्त होता है कि वो दीन ईमान सब भूल बैठे हैं, सिर्फ दुनिया के इतने बड़े नशे ही हो चुके हैं, दुनिया की मतलब उन्हें पैसे और मतलब किसी की जिंदगी के साथ इतनी बुरी तरह खेल जाते हैं। इस लड़की का दुख इतने अच्छे से समझ सकते हैं हम। माजरत चाहूंगी लेकिन मुझे उन सब मर्द और औरतों से शिकायत है, मैं औरतों का नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि वो अपने लड़कों की, अपने बेटों की, अपने भाइयों की इस तरीके की परवरिश नहीं करती कि वो इस तरीके के निकाह करें, इस तरीके की शादियां करें जिसमें वो साफ कह दें कि जहेज के नाम पर हमें एक सुई भी नहीं चाहिए। वही अपने बेटों की और अपने भाइयों की जो ये फर्ज पूरा करना चाहिए उन्हें, तो उन्हें जिस तरीके की तरबियत करनी चाहिए वो नहीं करती, उनके साथ में साथ खड़े होकर जहेज की डिमांड करती हैं, गरीब माँ बाप की बेटियों से शादियां करके ले तो जाती हैं लेकिन उनके साथ इतना जुल्म करती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने को तैयार हो जाती हैं। अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना, अपनी जान लेना बहुत बहुत बड़ा फैसला होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा, यानी कि इंसान इतना ज़्यादा उकता जाता है, इतना ज़्यादा इरीटेट हो जाता है, इतना जुल्म सह सह कर उसके अंदर खुदकुशी करने की पावर हर किसी में नहीं होती। खुदकुशी करना, मरना बहुत बड़ा काम होता है, मतलब इस लड़की के साथ
ऐसा कितना बड़ा, कितना ज्यादा इसे टॉर्चर किया गया होगा, कितना ज्यादा टॉर्चर किया गया होगा कि इसने इतनी बड़ी बड़ी कस्में दी गई इस लड़की को। कलाम पाक की कसम दी गई, अम्मा आयशा की कसम दी गई, लेकिन ये लड़की नहीं मानी, इसने खुदकुशी की, क्योंकि जो जिस पर बीतती है वही जानता है। अल्लाह ताला इस लड़की की मगफिरत करे, हमारे मजहब इस्लाम में खुदकुशी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला इस लड़की को माफ़ करे, इसके लिए आगे के लिए आसानियाँ करे, जन्नतुल फिरदौस में इसको आला मकाम दे, और इसके माँ बाप को सब्र दे। सही कहा आपने, उस लड़की का जो दर्द है हम बिल्कुल अपने अपने लफ्जों में हम बयान ही नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए उसके शोहर को, शर्म, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए उस आदमी को। माजरत चाहती हूँ, मेरे मुंह से कुछ अगर बदजबानी हो जाए, कुछ हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये किस तरह की दुनिया, किस तरह के माशरे में आ गए हैं हम अपने दीन के, मतलब दीन में भी हम वो चीज अपने लिए छांट लेते हैं जो हमारे लिए बेहतर होती हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, दीन में भी छटाई चलती है, मतलब वो चीजें जो हमारे लिए फायदेमंद है वो अपना ली जाती हैं, और जो दूसरी चीजें हैं जिसे सामने वाले की जो जिस जो सामने वाले के हुकूक हैं, जो बीवी के हुकूक होते हैं, जो दूसरे हुकूक होते हैं, उन सबको साइड में रख देते हैं। हाँ जी हम अच्छे हैं, खास तौर से वो आदमी निहायत, मैं क्या वर्ड यूज करूं उसके शोहर के लिए, कहाँ चली गई है आदमियों की गैरत। मैं पूछती हूँ, ये मैं सारे आदमी की बात नहीं कर रही, मानती हूँ सारे आदमी नहीं होते ऐसे, लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं। मैं आज तक बहुत सारे, ये तो हमारे सामने आ गया आयशा वाला केस, ऐसे ना जाने हजारों कितने केस हैं जो बच्चियों की जान इस तरह से चली जाती है, कोई खुदकुशी कर लेती है, कोई मेंटली टॉर्चर हो गया, दिमागी तवाजन खो देती है अपना, कोई किसी को कोई बीमारी लग जाती है, किसी को कोई दिख लग जाती है, लेकिन किसी को कोई असर ही नहीं होता, ना ही हमारे मुल्क में ऐसा कोई कानून बनता है। और आज शिकायत है मुझे उन सारे उलमाओं से भी, सारे क्यों नहीं कहते ऐसे कि जिस जिस शादी में जहेज और लिया दिया जाएगा उसमें हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, क्यों नहीं लिया जाता एक्शन ऐसा। लानत बोलेंगे सब, बुरा बोलेंगे सब, सब कुछ करेंगे, लेकिन अमल नहीं है, कहते क्यों नहीं है, पुख्ता फैसला क्यों नहीं लेते कि नहीं करेंगे हम ऐसा निकाह, नहीं पढ़ाएंगे ऐसा निकाह, क्यों नहीं कहते, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। इतना सारा सारा जहेज लड़कियों की शादियों में दिया जाता है और मौलाना आराम से काजी साहब निकाह पढ़ा रहे होते हैं, मन में बुरा समझ रहे हैं सब कि हाँ जी ये गलत है, हमारे इस्लाम में हराम है, हमारे इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, हमारे नबी ने ये सब नहीं किया है, लेकिन फिर भी। और उस वक्त आदमी की गैरत बिल्कुल मर जाती है, उस वक्त आदमी को अपनी गैरत नहीं नजर आती, नहीं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, नहीं जी ये तो कल्चर है, ये तो सब करते हैं, ये तो करना चाहिए। दीन पर दुनिया को इतनी अहमियत दी गई है हमारे माशरे में, क्यों, क्या हासिल वसूल हो गया उसके आयशा के शोहर को। अरे जब तुम लोगों को पैसा चाहिए, अल्लाह ताला ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, कमाओ खाओ खिलाओ, दूसरों से भीख क्यों मांगते हो जहेज के नाम पर। और अगर भीख ही चाहिए तो बैठ जाओ मस्जिद के आगे कटोरे लेकर, कोई हक नहीं बनता तुम्हें किसी लड़की के साथ, किसी की जिंदगी के साथ इस तरीके का खेल खेलने का। किसी ने नहीं कहा है किसी से भी कि क्या किसी, कहीं हमारी शरीयत में नहीं लिखा है कि औरत से इतना ज्यादा लिया जाए और फिर उससे निकाह किया जाए। हमारे मजहब में सिर्फ मेहर जरूरी है, और उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, मेहर का कोई जिक्र नहीं होता, वो माफ हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज यही है हमारे माशरे में कि मेहर तो माफ हो जाते हैं, मेहर माफ हो जाते हैं और जहेज दिया जाता है, और जहेज भी क्या होता है, एक घर की एक सुई से लेकर एसी फ्रिज ना जाने अल्लाह बला कितने कितना कितना सामान दिया जाता है, और शौक से लिया जाता है। आदमी गरीब लड़की से शादी करने में अपनी शर्म महसूस करता है कि मेरे यार दोस्त क्या कहेंगे कि मैंने मुझे मिला क्या है। किसी लड़के को बाइक दी जाती है जहेज में, बड़े शान और शौकत से बताता है वो अपने दोस्तों में कि भाई मुझे तो बाइक मिली है। किसी की लड़के की माँ को बालियां दी जाती हैं गोल्ड की, किसी को गोल्ड के सेट दिए जाते हैं, वो बड़े शान और शौकत से बताती हैं कि मेरे बेटे के ससुराल से मुझे ये मिला है। इज्जत समझती है अपनी कि हमारी बहुत इज्जत है इस चीज में। कहां जा रहे हैं, कहां है ये है हमारा दीन, ये है हमारा मजहब दीन।
ये सिखा के गए हमारे नबी हमें, लड़की पर्दे वाली हो, घर में बैठने हो, दीनदार हो, सब कुछ हो, सारी चीजें हो उसके अंदर, तो उसके अम्मा अब्बा के पास क्या आपने रखवा दिया है जो वो फिर मतलब वही हो गया ना, वही चीज आ गई ना कि अगर लड़की जॉब करती है, बाहर जाती है, बेपर्दा होकर जॉब करती है, तो वो लड़की आपको पसंद भी नहीं होती, उस पर 10 तरीके के इल्जाम भी लग जाते हैं। तो क्या आपने ये जो शादियां अपने लड़कों की करने आती हैं माएं, तो इन्होंने क्या इनका क्या अब्बा का और भाई का क्या हिसाब बनता है देने का? मतलब वो सारी जिंदगी अपनी हड्डियां रगड़ते रहे और आप लोगों को खिलाते पिलाते रहे, इसीलिए बेटी होती है तो लोग कहते हैं अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। इस दिन के डर की वजह से माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटी नहीं बेटा हो। माँ बाप की हालत मैंने देखी, अपने माँ बाप की हालत, मैं आयशा के माँ बाप की हालत बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, इस वक्त उनकी क्या हालत होगी, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। क्या मतलब तुम्हें अल्लाह ताला ने हाथ पैर दिए हैं, तुम खुद कमाओ खुद खाओ, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें लड़की के घर वालों से चाहिए होता है? कौन सी हमारी मजहब की किताब में ऐसा लिखा है? लोगों ने बड़ी बातें बनाई हुई है कि हमारे नबी ने जब शादी की थी हजरत फातिमा की, तो उनको खजूर, मिट्टी के बर्तन, चक्की, ये सारी चीजें दी थी, एकदम झूठ, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। उनको तैयार किया गया था, सजाया गया था, और हजरत अली के पैसों से ही उनके माल में से ही जो भी खर्च हुआ था वो हुआ था। वलीमा है और मेहर है, ये दो चीजें हमारे मजहब में सबसे ज्यादा जरूरी हैं। बाकी ये जो दूसरे मजहबों की चीज है जो अपनाई गई है ना, ये पता चलेगा इंशाल्लाह कयामत वाले दिन उन औरतों को भी और उन आदमियों को भी। एक एक को जवाब देना पड़ेगा, सबको जवाब देना होगा इस चीज का। अल्लाह अकबर। अमीर माँ बाप होते हैं, जो पैसे वाले माँ बाप होते हैं, वो तो अपनी बेटियों के लिए हर तरीके की खुशी खरीद लेते हैं, लंबा चौड़ा जहेज देकर और हर तरीके के शादियां खाने खिलाकर, 10 तरीके के डिशेस बनाकर वो अपनी बेटियों के लिए सारी खुशियां खरीद लेते हैं। उनके ससुराल वाले भी उनके आगे पीछे रहते हैं, उनके शौहर भी, ठीक है। तो फिर अगर इस तरह से चलता रहा तो कैसे होगी गरीब बेटियों की शादियां? ये जो अमीर अमीर लोग अपनी बेटियों को जहेज देते हैं, ये भूल जाते हैं, और ये जो जहेज की मांग करते हैं, ये भूल जाते हैं कि कल को इनके घर भी बेटी हो सकती है, कल को उनकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, और क्या पता अल्लाह ताला उन्हें बेटी की रहमत, बेटी वाली नेमत से नवाजे या ना नवाजे। अल्लाह ताला उन्हें इस लायक ही ना समझे कि वो किसी बेटी की परवरिश कर सकें। मेरी सबसे ज्यादा शिकायत ऐसे रहती है कि यार ये जो शादियां होती हैं, ये शादी में जो जहेज दिया जाता है, तो इनमें जो काजी होते हैं हमारे, जो निकाह पढ़ा रहे होते हैं, वो क्यों निकाह पढ़ा देते हैं? मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट करती है ये बात, वो क्यों इस बात पर फैसले नहीं लेते, इस बात पर पुख्ता फैसला नहीं लेते कि हमें ऐसे निकाह नहीं पढ़ाने। गरीब माँ बाप थोड़ा बहुत अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी के लिए जितना हो सकता है, अपनी हैसियत से ज्यादा, यानी कि जो माल जो सामान उनके घर में नहीं मौजूद होते, वो खरीद कर वो अपनी बेटी के साथ रुखसत करते हैं, और फिर अगर वो गरीब होते हैं तो उनकी ही उसी ही चीजों में इतनी ज्यादा नुक्स, इतनी ज्यादा बुराइयां पैदा हो जाती हैं। मतलब गरीब की बेटी के लिए, गरीब माँ बाप के लिए तो किसी सूरत चैन नहीं है। और तो और सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे पहला क्या होता है इकरा, सबसे सबसे ज्यादा इल्जाम लगाया जाता है कैरेक्टरलेस का। सबसे ज्यादा बड़ा इल्जाम यही लगाया जाता है औरत के ऊपर। क्या है, क्या इल्जाम लगा सकते हैं? सबसे पहले यही होता है और यहीं पे सारी बात खत्म। वो बेचारी इसी बात से चुप होके बैठ जाए, बात खत्म हो गई है। अल्लाह ताला औलाद से नवाजे तो कह दो ये हमारी औलाद नहीं है। मैं बद्दुआ नहीं देना चाहती किसी को, लेकिन अल्लाह ताला सब देख रहा है, अल्लाह की निगाह से कुछ नहीं बचा हुआ।
मैं इमोशनल हो रही हूँ, मैं जज्बाती हो रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे मुंह से कुछ अगर ऐसी वैसी कोई बात निकल जाए। मैं उन लड़कों को और उन आदमी और औरतों को नहीं कह रही जो ये सब इन सब चीज़ों के खिलाफ हैं, जो इन सब चीज़ों के खिलाफ हैं, जो बिना जहेज की शादियां करते हैं, जो गरीब बच्चियों से शादियां करते हैं, वो अल्लाह ताला उनको इंशाल्लाह अजर देगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेगा। आज वो किसी की बेटी का हाथ थाम रहे हैं, कल उनकी बेटी का भी कोई इसी तरह हाथ थामेगा इंशाल्लाह बेशक। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि ये जो आयशा लड़की की जिसने अभी खुदकुशी की है, इसके लिए आप लोग दुआ करें, दुआए मगफिरत करें, अल्लाह ताला इस बच्चे के लिए आगे के लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह अकबर। आपसे गुजारिश है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।